अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली दैट इज ऑन कंपैरिजन बिटवीन आईफोन एक्स एंड आईफोन 11। सो इसमें जो है बेसिकली जितने भी बेसिक फीचर्स हैं, उसकी प्राइस है, इसके कैमरास हैं, इसका डिस्प्ले है, इसका साइज है और इसकी बॉडी है और जितने भी मेन मेन फीचर्स होते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। उसके जो है प्रूफ थ्रू कंपनी जो हमें मिलते हैं, जो कंपनी इनके स्पेक्स बताती है, उस पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो है आईफोन एक्स है, जो इनका बिल्डअप है दोनों फोन्स का, इसका सबसे पहले डायमेंशंस दी गई हैं, विच इज 143.6x 70.9x 7.7 mm है आईफोन एक्स की, जबकि जो 11 की है वो 150x 75x 8 है ऑलमोस्ट। उसके बाद बात करते हैं इसके वेट पे, विच इज आईफोन 11 का है 189 ग्राम्स, जबकि आईफोन एक्स जो है वो वेट में से थोड़ा सा कम है, अराउंड अबाउट 170 ग्राम्स। उसके बाद हम मूव करते हैं इसकी सिम्स पे। आईफोन एक्स जो है बेसिकली वो सिंगल सिम है एंड दैट इज नैनो सिम, इसमें कोई भी जो है हमें डुअल सिम जो है अवेलेबल नहीं मिलती है। जबकि जो आईफोन 11 है उसमें हम मूव करेंगे, उसमें जो अवेलेबल सिम्स हैं दैट इज डुअल सिम, एक नैनो सिम होती है और सेकेंड इज ई सिम। इसमें जो है डुअल सिम, फिजिकल सिम्स अवेलेबल नहीं होती, एक ई सिम होती है और एक ही नैनो सिम होती है फिजिकल। कलर्स की बात करते हैं, आईफोन एक्स में जो कलर्स हैं, आईफोन एक्स में जो कलर्स हैं दैट इज स्पेस ग्रे एंड सिल्वर, दो ही कलर्स हैं आईफोन एक्स में, जबकि आईफोन 11 में ब्लैक है, ग्रीन है, येलो है, पर्पल है, रेड एंड व्हाइट डिफरेंट कलर्स हैं। आफ्टर दैट इनकी फ्रीक्वेंसी है, इनकी बेसिकली जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो बताई गई है। आईफोन एक्स में सिंगल सिम है तो 2G, 3G एंड 4G, जबकि आईफोन 11 में जो है डुअल सिम है तो फर्स्ट सिम की भी बताई गई है एंड सेकंड सिम की भी बताई गई है। दोनों पे ही सेम 4G एंड सेम स्पीड वर्क करती है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, दोनों सिम्स में। एंड उसके बाद बात करते हैं प्रोसेसर पे। हेक्सा कोर का प्रोसेसर है आईफोन एक्स में A11 बायोनिक का, जबकि जो आईफोन 11 है उसमें है हेक्सा कोर A13 बायोनिक चिप। ये ए बायोनिक चिप बेसिकली आईफोन्स के अपने ही इनके प्रोसेसर्स होते हैं, एंड्रॉयड में जो प्रोसेसर्स होते हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं एंड दे आर मच मोर बेटर देन एंड्रॉयड प्रोसेसर्स। इसी वजह से जो है आईफोन का सॉफ्टवेयर है वो बहुत स्मूथ होता है एंड बहुत ही स्मूथली वर्क करता है एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड मोबाइल्स। उसके बाद नेक्स्ट इनके GPU दोनों के हैं एप्पल डिजाइन 4 कोर, एप्पल डिजाइन 3 कोर ग्राफिक्स हैं। आफ्टर दैट इनका डिस्प्ले है, डिस्प्ले जो आईफोन एक्स का साइज है दैट इज 5.8 इंचेस, जबकि आईफोन 11 का साइज है 6.1 इंचेस। आईफोन एक्स से थोड़ा सा बड़ा, ऑलमोस्ट 3 to 4 इंचेस जो है वो इससे साइज में ज़्यादा है। उसके अलावा रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन में जो है बेसिकली आईफोन एक्स का जो है वो LED डिस्प्ले है, जबकि आईफोन 11 जो है वो LCD डिस्प्ले है। तो LED लिक्विड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बेसिकली जो है वो बेहतर होता है एज कम्पेयर टू LCD। एंड यहाँ पे इसलिए इसकी जो रेजोल्यूशन है 1125x 2436 इस पे है एक्स पे, जो कि काफ़ी बेहतर है एज कम्पेयर टू आईफोन 11। आगे इनकी प्रोडक्शन की बात की जाए तो स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास होता है, इतना सेंसिटिव नहीं होता है, क्योंकि जो एप्पल्स के डिजाइन ग्लास होते हैं वो दोनों ही रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब सारे ही फोन्स में रेजिस्टेंट होते हैं और एक नॉर्मल स्क्रैच जो होते हैं उनसे वो प्रूफ होते हैं। अगर जब तक कोई हैवी उन पे कोई भी जो है डैमेज नहीं होता तब तक वो इतनी इजीली डैमेज नहीं होते हैं। उसके अलावा ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं दैट इज नॉट फॉर अस आई थिंक। उसके अलावा मेमोरी पे बात करते हैं, इनमें बिल्ट इन कार्ड होता है दोनों में ही, मेमोरी कार्ड जो है हम इंसर्ट नहीं कर सकते, बिल्ट इन में है 64 GB में आईफोन एक्स, 256 GB में और 3 GB रैम में, जबकि जो आईफोन 11 है उसके जो वेरियंट्स हैं 64 GB है, 256 GB है एंड 512 GB अवेलेबल है, और जबकि इसकी जो रैम है दैट इज 4 GB रैम। उसके बाद इनके कैमरास पे आते हैं, तो कैमरास दोनों के ही कैमरास, तो कैमरास बेसिकली 12 MP है आईफोन में, ये शुरू से ही 12 MP ही कैमरे आते हैं, जबकि एंड्रॉयड में जो है पिक्सल्स बढ़ा देते हैं लेकिन क्वालिटी वो फिर भी सेम ही रखते हैं। आईफोन एक्स में जो है 12 MP LED डिस्प्ले, उसमें भी जो है 12 MP है LCD डिस्प्ले है। इसके अलावा यहाँ पे फीचर्स बताए गए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग 4K होती है और 8 MP इमेज रिकॉर्डिंग होती है, उस पर भी जो है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग होती है,
24 FPS, 30 FPS, 60 FPS, आगे 1080 पे भी होती है एंड सो ऑन सो फोर्थ। आगे जो है फ्रंट कैमरा दोनों का ही आईफोन एक्स का 7 मेगापिक्सल है जबकि आईफोन 11 का जो है वो 12 मेगापिक्सल है। उसके बाद ये बेसिक्स ब्लूटूथ जीपीएस यूएसबी वगैरह डाटा वगैरह ये बेसिक्स फीचर्स बताए गए हैं। उसके अलावा इनके स्पीकर्स वगैरह और सेंसर्स पे बातें की गई हैं कि दोनों के ही स्पीकर जो हैं वो सेम है, हेडफोन जैक जो है वो दोनों में ही अवेलेबल नहीं मिलती हमें एंड टॉर्च दोनों में है, गेम्स हैं दोनों में जो है, ऐप स्टोर होता है जहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं आप। उसके अलावा बात करते हैं इसकी बैटरी पे, जो आईफोन एक्स की है वो 2716 mAh है जबकि आईफोन 11 की जो है वो 3100 mAh की बैटरी है। तो यहाँ पे दोनों का टॉक टाइम दिया हुआ है, म्यूजिक प्ले दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 17 hours to 65 hours जो है वो दोनों का ही दिया गया है। बैटरी चार्जिंग जो है दोनों की फास्ट बैटरी चार्जिंग है दोनों पे ही। एंड इसके अलावा इसकी प्राइस पे बात करते हैं तो पाकिस्तान में अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए है। ये प्राइस तब की है जब ये फोन न्यू लॉन्च हुआ था, अब चूंकि ये फोन काफी पुराना हो गया तो इनकी दोनों की प्राइस जो है वो अलग अलग मिलती है हमें। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो।